सो विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ग्रैंड फिनाले है और ऐसे में आप सना मकबूल को किस तरह से आप देखते हैं? बिल्कुल, मतलब मैं चाहता हूं कि वो जीते ये शो, बाकी तो खुदा की ही मर्जी है, लेकिन दिली तमन्ना है कि वो जीते वो शो इस बार बिग बॉस ओटीटी, क्योंकि बहुत अच्छा खेला है उसने मेरी नजर में तो भाई, कि बहुत डिग्निफाइड तरीके से खेला है। पहले ही बोला है मैंने कि डीवा टाइप की लड़की है, उसको पता है वो मुंबई की भी है, उसमें बहुत मिक्सचर अच्छा है। तो मैं उसे बोलता था कि आप जा रहे हो वहां पर तो सिर्फ दो चीज चाहिए मुझे अगर आपके जर्नी में देखना है, तो एक तो मियां भाई की डेयरिंग और दूसरा डीवा का जो उनका वो खुद का एक जैसे वो डिग्निफाइड तरीके से बात करती है या रहती है, तो मुझे वो दोनों दिखा और मैं तो बहुत खुश हूँ यार। और ऑडियंस को भी यही दिखा है तभी वो यहाँ तक पहुंची है, उनका प्यार तभी मिला है उन्हें। और क्या ग्रोथ हुआ है, आप खुद देखो ना, आपको नहीं लग रहा है कि अच्छी अच्छा खेला उन्होंने? जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से घर में आई और फर्स्ट डे से उन्होंने कहा कि मैं सेल्फिश हूँ और मुझे शो जीतना है, और जिस तरह से पूरे डिग्निटीफाई अपने ही अंदाज में जो पूरा गेम खेल रही है, बट उनको बहुत सारे उनको घर के अंदर आपने भी देखा होगा कैसे अलग अलग नाम दिए गए उनको, उनको बार बार वीकेंड के वार में उनको टारगेट किया गया, और घर के अंदर जो जिस तरह से रणवीर से उनकी बिल्कुल नहीं बनती है, इसको आप पूरा कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक बात तो मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी थी कि उन्होंने बोला था कि मैं सेल्फिश हूँ और बिग बॉस में खेलने आई हूँ, जीतने आई हूँ, क्योंकि ये तो गेम शो है ना भाई, आप वहां जाके थोड़ी और कुछ करना चाहते हो, आप खेलना चाहते हो। थैंक गॉड कि उन्होंने मेरी गलती नहीं की जो मैंने किया था अपने बिग बॉस में, मुझे भी खेलना चाहिए था। तो आप वहां पर अपना रियल पर्सनैलिटी लेके नहीं रह सकते हो, ठीक है? और जब आप ऐसे होते हो तो कुछ लोग आपको पसंद करते हैं और कुछ लोग आपको ना पसंद करते हैं, तो ये तो भाई बाई प्रोडक्ट हो गया ना, ठीक है? ऐसे में तो आप तो आते हैं कि कॉन्फिडेंस क्या कहता है जीवन में, कि जो कोई इंसान कोई काम कर रहा है वो बोल के कर रहा है, ठीक है? और उस जो वो कर रही है उससे किसी को पर्सनल रूप से कोई प्रॉब्लम ना हो या उनको कोई मतलब वो हर्ट ना हो, ये सबसे अच्छी बात होती है। इसी को तो बोलते हैं डिग्निफाइड तरीके से खेलना। जी, आपके साथ कोई होगा तो वो आपके साथ कितना अच्छा होगा, वो पहले दिन से बोल दे कि भाई मुझे आप बहुत कम पसंद है या मुझे आप बहुत पसंद है, तो आपको तो पता चल जाएगा ना कि आपको कैसे रहना है। ये तो बहुत ऑनेस्ट बात हो गई जी, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। और रणवीर के साथ जो इस तरह से उनकी फाइट होती है, बहुत सारे लैंग्वेज यूज हो गया, गटर छाप, नागिन, बहुत सारी बातें हो गई, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो इसे कैमरे के लिए बात करता हूँ, बाहर तो मैं देखू भी ना। हाँ, तो देखिए अब एक बार बताता हूँ मैं, जो सबसे अच्छी बात ये है कि हम भी इंसान है यार, हम भी गुस्सा होते हैं तो हम भी ऐसी ही बातें करते हैं। एक्टर है तो सर, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहां पर भी कुछ ऐसी बातें बोलेंगे इसकी मतलब जो डायलॉग की तरह होंगी, वो तो बहुत जेन्युइन है और वो तो होगा ही, और ऑडियंस को भी वही तो समझ में आता है ना कि ये लोग भी नॉर्मल पीपल है, तभी तो उनको अच्छा लगता है ये देखना, ठीक है? और दूसरी बात देखो, रणवीर सर की भी ना अपने खेलने की स्ट्रैटेजी है, ठीक है? जिस दिन से वो आए हैं अपने ही अंदाज में खेल रहे हैं ना वो, तो कि भाई मुझे पैसे की जरूरत है या फिर जो भी है, तो सबका अपना अपना एक अंदाज है भाई उस शो में, आपको भी ये पता है और ऑडियंस को भी ये पता है कि मतलब अब जो अच्छी बात यह है कि कोई बोल के खेल रहा है, कोई किसी तरीके से खेल रहा है, खेल तो सारे ही रहे हैं उसमें, अब जो बढ़िया खेलेगा वो जीतेगा। तो मुझे लगता है कि बढ़िया तो हमारी लड़की ने ही खेला है भाई, मतलब सना मकबूल ने। जी बिल्कुल, बट आपको भी लगता है कि सना को अब जब आप देख रहे थे या देख रहे हैं, तो आपको भी लगता है कि सना का जो पर्सनालिटी रियल पर्सनालिटी है वैसा ही है या कुछ अलग दिख रहा है आपको? नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि मुझे सना की जो सबसे अच्छी बात ही लगी थी वो थी ऑनेस्टी। वो लड़की जो है वो मुंह पर है, और इससे बड़ी बात कोई अच्छी हो ही नहीं सकती लड़कियों के बारे में, कि जो लड़की है वो मुंह पर है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो वैसी है, वैसी है, खतरों खिलाड़ी से लेके आज तक, और इसीलिए हमारी दोस्ती है उसके साथ, उनकी मेरे साथ। बट आप मुझे, हाँ बोलिए जी, आपने देखा नेजी के साथ उनकी सबसे बेस्ट दोस्ती दिखी, और लोगों ने यहाँ तक कहा कि घर के बाहर भी बोला से बाहर से लोगों ने कहा कि दोस्ती से बढ़कर दिख रहा, आपको भी ऐसा लग रहा है? देखिए मुझे ये नहीं पता है कि क्या लग रहा है, मैंने उतना शो नहीं देखा है, लेकिन एक फैक्ट बताता हूँ, नेजी मुंबई का लड़का है, वो मुंबई की लड़की है, दोनों मियां भाई हैं, तो उनके पास बहुत सारी कॉमन चीजें हैं यार। तो पटना तो मतलब उन दोनों का आपस में ये बात करना या मतलब फ्रेंडशिप होना वो तो बहुत जायज है यार, वो तो बिल्कुल होना चाहिए।
अगर कोई बिहार का आदमी आता है, जैसे मेरी और खेसारी की बहुत अच्छी बनती थी, क्यों? क्योंकि हम लोग एक ही मिट्टी के इंसान थे, सेम। तो इस पे तो पता नहीं, अब लोग फालतू में कुछ बोले या ना बोले मुझे नहीं पता, वो दो लोग की दोस्ती है, वो लोग जाने। अभी तो बस कुछ ही समय बाकी है, मतलब चंद घंटे ही बाकी हैं, फिनाले का। आपके भी दिल में धक धक हो रहा है? देखिए बिल्कुल हो रहा है, मतलब मैं सच में चाहता हूँ कि ट्रॉफी इस बार मतलब सना ही जीते, और मुझे बहुत खुशी होगी। और आई विश कि मैं तो मतलब ट्रैवल कर रहा हूँ, वरना मैं मुंबई में होता ट्रॉफी भी जीतती तो हम लोग बैंड बैंड बजाते यार जाके उसके लिए। आपको क्या लगता है उनके लिए, सना के लिए कॉम्पिटिशन कौन है, मतलब किसके टक्कर में, मतलब उनके टक्कर में कौन ज्यादा है इस समय? देखिए यार, जिस पड़ाव पे गेम है ना, सभी एक दूसरे के टक्कर पे हैं, ठीक है ना। अब इसमें सिर्फ एक चीज बच जाती है कि आप अपने चॉइस का पार्टिसिपेंट है उसको चूज कीजिए, क्योंकि कोई भी किसी से कम नहीं है, सबने बढ़िया खेला, सभी वहां पर है। तो मैं बायस हूँ, और मैं मतलब मेरी बहुत अच्छी दोस्त है सना मकबूल, तो मैं चाहता हूँ कि वो जीते। उसके अलावा कोई भी जीते, उनको बेस्ट ऑफ लॉक, बहुत सारी बधाइयाँ, खूब सारी मिठाइयाँ। लेकिन अगर अपनी लड़की जीतेगी तो मतलब धमाका होगा भाई। अच्छा, अगर सना के हाथ में ट्रॉफी आई तो विशाल क्या करेंगे? क्या करेंगे मतलब, अच्छा लगेगा सर, खुशी होगी, करने वाली क्या बात है, बधाइयाँ देंगे, अच्छी लगेगी बहुत। स्पेशल पार्टी, बात की बात है ना, सी वो तो बात की बात, वो तो अरे तो छोटी मोटी बातें हो गई सर, पार्टी वार्टी है वो मतलब जो सबसे बड़ी खुशी होगी कि वो जीत जाएगी लड़की, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा वो जीतेगी तो। जी, तो आप टॉप थ्री में किसको देख रहे हैं, आपके हिसाब से टॉप थ्री कौन है? देखिए मैं हमेशा से अपने स्टेटमेंट को लेके बहुत क्लियर रहा हूँ, मैंने बोला ना आपको कि टॉप थ्री में सना मकबूल होनी चाहिए और वो ट्रॉफी जीतनी चाहिए, बाकी दो लोग जो भी हो उनका बहुत तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच विशाल, हमसे बात की, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच।